नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। आज से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ हो गया। ये कथा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक जी के गार्डन होटल में नानाखेड़ी स्थित चलेगी। इसमें पंडित पुनीत महाराज द्वारा अपनी आवाज में कथा का श्रवण कराया जाएगा। आपको बता दें, उस वक्त देखने को मिला जब कहते हैं कि भगवान भी भक्तों से प्रसन्न हो तो साक्षात आ जाते हैं, ऐसा ही एक माहौल जब दिखाई दिया जब कलश यात्रा कथा स्थल पहुंची, वहां पर साक्षात गंगा मैया आ गईं। और कहते हैं कि सच्चे हृदय से अगर आप कुछ काम करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न जरूर होते हैं। इससे पहले नानाखेड़ी स्थित मंदिर पर आज सुबह पूजा अर्चना की गई और कलश यात्रा की तैयारी की गई। यहाँ पर बड़ी संख्या में कलशों को श्रृंगार कर फूलमाला पहनाई गई। आपको बता दें, मंदिर परिसर में हनुमान जी का मंदिर भी है, यहाँ पूजा पाठ की गई। इसके बाद मंदिर में शिव जी के शिवालय में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं जिन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद कलश यात्रा की तैयारी के लिए विधि विधान से पंडितों द्वारा पूजन अर्चना कराई गई। इसमें आयोजक भानु प्रताप सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ पूजन अर्चना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज बंधु भी उपस्थित रहे जिन्होंने मंदिर पहुंचकर आयोजन में भाग लिया। आपको बता दें, कथा के प्रारंभ में आयोजक भानु प्रताप सिंह चौहान द्वारा श्रीमद् भागवत गीता को अपने सर पर रखकर कथा स्थल तक ले आया गया। इसमें पीछे आगे आगे आयोजक भानु सिंह चल रहे थे, साथ ही उनके पीछे बड़ी संख्या में कलश धारण कर महिलाएं चल रही थी। पंडित कथा व्यास जी द्वारा पूजन अर्चन किया गया, भागवत कथा का पूजन की गई, आरती उतारी गई। इसके बाद दोपहर 3 बजे से यहां पर कथा का वाचन शुरू हुआ। आपको बता दें, प्रतिदिन ये कथा दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक चलेगी। इसका वाचन पंडित पुनीत जी शर्मा द्वारा किया जाएगा।